से जाने के लिए, जहाँ हमारा फेस है हम लोगों का, ये जाने के लिए किस कैसा है, यह फेसिंग है और ट्रेलिंग है? कितने लोग बोल रहे हैं फेसिंग? किन्हीं को ट्रेलिंग बोलना है? ट्रेलिंग है क्या? नहीं है, क्योंकि अभी मेरा यह डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। डायरेक्शन नहीं चेंज करता तब क्या हो जाता? यह ट्रेलिंग हो जाता। और जब हम क्या करते हैं, हटिए थोड़ा सा, ये जो पॉइंट देख रहे हैं सर, ये आप पहले से बता दिया, आ गया यूट्यूब। ओके, आगे आगे पर यूट्यूब बना करके अपना ग्रुप में डाला। ये देखिए, ये पॉइंट है, जब नन इंटरलॉक करते हैं, नन इंटरलॉकिंग के दौरान तब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, ये जो फीड है ये इसके अंदर देखिए कवर देकर के ढका हुआ है। ये वायर से पूरा मोटा केबल से ले जा करके वायर कनेक्ट किया हुआ है पैनल में, जहाँ चल के बताऊंगा मैं। वो वायर इसमें ला करके इंटरनल अंदर से 4-5 फीट 7 फीट अंदर से केबल डाला हुआ है गड्ढा खोद करके। कहाँ से? वो बाहर से, बाहर से देखिए वो पाइप लगा हुआ देख रहे हैं ना, वो पाइप किस लिए है? वो सारा वायर को लेकर के आया है सेफ, और वायर को ला करके इंटरनली हर पॉइंट पर, हर सिग्नल पर केबल मोटा मोटा डाला हुआ है, केबल से कनेक्ट है। अभी क्या करेंगे, जब नन इंटरलॉकिंग चलेगा वो सारा केबल कट कर दिया जाएगा, और कट करके वो दूसरा चेंज करेंगे ना भाई, मॉडिफिकेशन हो रहा है। तब क्या करेगा स्टेशन मास्टर, इसको खोलेगा। आगे देखिए खुला होगा, एक चाबी लेकर के स्टेशन मास्टर आए, के पास पैनल है, वो पैनल से ये खुल गया ना, देखिए ये खोल करके, ये चाबी से खुलना था, ये फ्लैप है, ये फ्लैप को हटाएंगे। ये फ्लैप हटेगा कैसे, इसका चाबी को मगर घुमा दूंगा इस चाबी को तो ये हट जाएगा। ये देखिए इसमें चाबी इंसर्ट करेगा स्टेशन मास्टर, चाबी लेकर के आएगा, उस चाबी से घुमाएगा तो ये फ्लैप, ये सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, जब ये फ्लैप हट जाएगा तो क्रैंक हैंडल लगा करके, जब मेरे को अभी उधर भेजना है, मान लीजिए उधर भेजना है तो क्या करूंगा, उसको ऐसे ऐसे भेजूंगा जाओ उधर, और बुलाना होगा तो ऐसे दिशा में, डायरेक्शन में आइए। आने का डायरेक्शन क्या होगा, और बैठना कैसे होगा, जो मैं बैठा हूँ इसी पोजिशन में बैठना होगा, इस पोजीशन में क्रैंक लगा करके धीरे धीरे हैंडल को घुमा करके पॉइंट्स को मैनुअली उधर कर देंगे, उस साइड सेट कर देंगे। और उधर सेट करने के बाद क्या करेंगे, फिर अगर मैनुअली सेट करके यहाँ ले आएंगे, और यहाँ करेंगे ये जो देख रहे हैं प्लंजर, इस प्लंजर में अपना क्रैंप को, क्रैंप दिखाऊंगा स्टेशन में, अंदर लगा करके क्रैंप फंसा करके, और दोनों को जब यहाँ हम मैनुअल सटा दिए थे, उसके बाद धीरे धीरे क्रैंप को टाइट करते करते चूड़ी को पूरा टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद फिर ताला से जकड़ देंगे, और ताला को अपने पैकेट में हम चाबी को रख लेंगे। तो दैट इज पॉइंट सेटिंग, क्लैंपिंग और पैकिंग। ये करने के बाद फिर आपको क्या करेगा लोग, स्टेशन मास्टर यदि फेसिंग पर रहा है, गाड़ी इधर से भेजना है, आपको पॉइंट के पास से पीएचएस दिखलाएगा, क्योंकि मैंने किया है, मैं किया हूँ, ये मेरा प्रूफ है, मेरा सारा पॉइंट सही है, यू कैन गो। और अब फिर आपको अथॉरिटी देगा स्टार्टर के लिए, 3693B आप ले करके स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। एक्सपेंस करेगा तो सटेगा, इसलिए गैप दे दिया है, एसी सीरियल बोलता है, इसको गैप में सट करके यहाँ आ जाएगा। ठंडे में क्या होगा, बाहर खींचेगा तो वो खींच करके गैप बढ़ जाएगा, तो मेरा रेल का जो सेफ्टी है बढ़ जाएगा, इसलिए लेकिन ये इसको तो सेल्फ है, इट सेल्फ है, तो इसको तो ऑन में भी दिखाना है और ऑफ में भी दिखाना है। तो जब अपने खंभे पर स्वतंत्र है या, तो इसको ऑन पोजीशन का अपना पोजीशनिंग दिखाना है, हॉरिजॉन्टल दोनों चलता रहेगा, लेकिन जब ऑफ होगा या डायगोनल चलेगा, मतलब आपको सेंटिंग करना है। एरो मार्क भी दे दिया गया, यह सेंट सिग्नल इस लाइन के लिए है, इस लाइन के लिए क्यों इट सेल्फ लगाया गया आप लोग बताइए, पोल नहीं है ना इधर, इसमें तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि स्टार्टर सिग्नल नहीं है, यह कॉमन नहीं है, तो यह लाइन ओनली फॉर डाउन मेन लाइन, यह लाइन ओनली फॉर डाउन मेन लाइन, इसमें हम आपके देखिए दो लाइन चला जाएगा। क्या क्या मेरा डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या? नहीं, मैं ये दोनों लाइन पर चल रहा हूँ, इस लाइन पर आ रहा हूँ, क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा है।
ट्रेनिंग सेट भी नहीं है और गाड़ी लेकर के आऊंगा तो मेरा लोको क्या कर देगा, उसको फोर्सलिस सेट कर देगा। लेकिन फोर्सलिस सेट तो कर देगा क्योंकि ये भी काफी हैवी है, लेकिन क्या करेगा वो उसको तोड़ देगा और तोड़ करके सेट करके चला जाएगा। ट्रेलिंग जो है अभी हम किस पर आ रहे थे, ये पॉइंट मेरे लिए क्या है भी? हम जिस फेस से जा रहे हैं मेरे लिए ट्रेलिंग है। अगर ट्रेलिंग स्टेशन मास्टर कभी गलती से सेट नहीं किया और गाड़ी मेरे को अथॉरिटी दे दिया और मैं भी गलती कर दिया तो क्या होगा, मेरा लोको इस पॉइंट को तोड़ देगा, यहाँ पर गाड़ी गिरने की संभावना ना के बराबर रहेगी और तोड़ करके मेरा लोको उसको जबरदस्ती फोर्सली सेट करके चला जाएगा। क्योंकि मेरा ट्रैक इस पर आ रहा था ना, एक व्हील इस पर था और एक व्हील इस पर था, इसको फोर्सली इतना दबा देगा कि मोटर पॉइंट को फेल कर देगा वो मेरा लोको का हेवी होने के कारण। अब फोर्सली सेट कर देगा, लेकिन सेट करते हुए इसको ब्रोकन कर देगा। जहां तक स्ट्रॉन्ग रेल आएगा यहाँ तक, वहां तक नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन जैसे टंग पर चढ़ेगा, टंग और स्टॉक क्यों हुआ, ये जो पतला सा देख रहे हैं ये क्या है, इसको हम टंग बोलते हैं। देखिए टंग कैसे चिपक गया, जैसे मेरा मुंह में कैसे चिपकता है टंग, वैसे ये चिपक गया है और चिपक करके यहाँ तक मेरा भील आया और देखिए टंग में कैसे चिपक गया और चिपक करके ये कैसे ले लेगा अपने तरफ। देखिए आगे लेते हुए अपने ऊपर व्हील को होल्ड कर ले रहा है और डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, समझ रहे हैं। इसीलिए जो डायरेक्शन चेंज करे अपने आप में होल्ड है, इसको स्टॉक रेल बोलेंगे, टंग रेल और स्टॉक रेल। क्लियर, आगे बढ़िए। अभी आगे बढ़ रहे हैं, अब पॉइंट क्या पड़ रहा है हमारे लिए, एक पॉइंट क्या पड़ रहा है बोलो ना, आवाज एक आवाज लगा करके क्या पड़ रहा है। अभी भी ट्रेलिंग का किन्हीं को शक है, एक क्या कर रहा है मेरा डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है, ये फेसिंग है। अभी हमारा डायरेक्शन को लगा हुआ कैसा है, ये नॉर्मल और रिवर्स, नॉर्मल है या रिवर्स है, अभी तो रिवर्स बोले हो आप। अभी मेरा डायरेक्शन को ये चेंज नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब नॉर्मल है। अभी इस स्टार्टर को देखिए, यहाँ पर देखिए इसका कुछ इसमें भी अलग है, देखिए क्या क्या है और क्या है, देखो शाइन अभी आओ सब, सब लोग ध्यान से देखो, मैं हम बोलेंगे ही नहीं, तुम लोग बोलते रहो क्या क्या बोलते हो, जितना बोलना है सब लोग सोचो और बतलाओ, जो मैं सुनना चाहता हूँ नहीं बोल रहे हो, हमको डंडा लेकर ये वाला भी अभी एक बोला गुड, सबको दिख नहीं रहा था क्या दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, बुझा हुआ मतलब स्टेशन मास्टर क्या रखा है, मैनुअल मोड में रखा है, वो सभी गाड़ी को कंट्रोल करेगा, किसी को थ्रू नहीं जाने देगा अपने हिसाब से। लेकिन यदि उसका प्रोग्राम हो जाता है कि आप ऑटो में कर दीजिए और हाथ मोड़ करके बैठ जाइए, काउंटिंग करते रहिए, 1 ट्रेन 2 ट्रेन 3 ट्रेन भेजते रहिए आप ऑटो में करके, लेकिन कंट्रोलर ने सीनियर डीएम ने मना करके रखा है, तुम्हारा बड़ा यार्ड है, जब वो इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब करना ऑटो मोड में, अभी मैनुअल मोड में रहने दो, समझ गए। तो एक मेरा सेंट सिग्नल के ऊपर में ऑटो का इंडिकेशन, जब वो चलेगा मतलब आप समझिएगा ऑटो मोड में काम कर रहा हूँ। और देखिए ऊपर में कॉलिंग ऑन सिग्नल, ये सारे के सारे क्या है, ऑन अभी सब ऑन पोजीशन में है ना, सेंट भी और ऑटो भी और कॉलिंग भी सभी ऑन पोजीशन में, और मेरा बिग बॉस क्या है, अभी बिग बॉस अपना ऑन पोजीशन में है बट हैवोक बना करके रखा है, हैवोक रेड, रेड मींस मेरे लिए क्या है, लोको पायलट के लिए हैवोक डर, अस्थिर गाड़ी को स्टॉप है ना, स्टॉप जो कर रहा है फोर्सली, दैट इज एक हवक है ना, भय है ना, वो अपना देखिए वो जल रहा है, जब वो साहब जलते हैं तभी लोको पायलट हम है, हमारी सारी काम शुरू होती है। जब उनको देख लिए हम लाल जलता हुआ गाड़ी को खड़ा करेंगे, उसके बाद हम सिग्नल को देखेंगे क्या क्या है, कॉलिंग ऑन है, चलो
वो हो सकते हैं खराब हो जाएंगे। अगर स्टेशन मास्टर बोलता है मास्टर मेरा मेन जो स्टार्टर है वो खराब है, अभी आप ट्रैक पर आइए, ट्रैक पर आने के बाद आपको कॉलिंग ऑन दूंगा, तो ट्रैक क्या होगा इसका, कौन सा ट्रैक है, डायरेक्शन तो वो ट्रैक है, एग्री, बस इसका जो मैं रोज रोज पढ़ाता था वो कॉलिंग ऑन ट्रैक पर आना, कॉलिंग ऑन ट्रैक पर आना। अभी आगे भी बतलाता हूँ, यहाँ भी होगा कॉलिंग ऑन ट्रैक, कॉलिंग ऑन ट्रैक दूर में होगा, कहीं पर दोनों लाइन को जोड़ के रखा होगा, दोनों लाइन में एक पट्टिया पतला होगा, यहाँ पर दिख रहा है, लाइन के बारे में बताओ साहब, क्या है, कौन सा लाइन है, ओवर तरफ देखो, ओवर रन डीजलिंग, सब सोचो हमको बताओ, अभी सबके मुंह से आवाज नहीं आ रहा है, एगो दो को बोल रहा है आइसोलेशन, आइसोलेशन तो मैं चार पढ़ाया हूँ भाई, चार में से कौन है, ओवर रन लाइन, ओके करें, क्यों ओवर ऑल लाइन पर ओके करें, क्योंकि हम बता पढ़े हैं कि ओवर ऑल लाइन काम होगा, उसको भी हम आइसोलेट कर देंगे, किससे, एक ड्रिलिंग पॉइंट लगा करके, अरे छोटा सरल है ना, देखिए अभी खुला है ना, अगर हम गाड़ी इसमें ला के रख देंगे और अनऑथराइज कोई मेरा व्हीकल आता है तो क्या रनिंग लाइन बर्बाद होगा, यही पर जाके पॉइंट गिर जाएगा ना, तो हम दोनों पर्पस कर लिए, गाड़ी भी अपना रख करके सेव कर लिए, पांच वैगन छह वैगन रख लेंगे और हम एसओएल का गांधी कर दिए, उधर से आने के लिए मेरा स्टार्टर से 120 मीटर भी कर दिया, जो एसओएल का सब चूट हो गया और दूसरा काम भी कर रहे हैं, क्लियर ना, इसमें इतना रिले है ना, जब स्टेशन मास्टर वहाँ से अपना कमांड देता है वो कमांड यहाँ रिले में आता है और रिले फिर उसको पावर को चेंज करके जितना वोल्ट चाहिए यहाँ से सप्लाई करता है अंदर में, आईपीएस रूम इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई, क्यों अच्छा ये बताऊँ, हमें इसको पढ़ना है, कलर वाला है लोकेशन, यह स्टेशन मास्टर का लोकेशन रूम है, जब स्टेशन मास्टर चाबी लेकर के आता है पैनल से वो इसको ताला खोलेगा और ताला खोल करके यहाँ पर स्टेशन मास्टर फीड देगा किसको, पॉइंट्समैन को, बोलेगा की को घुमाओ, जब वो मैनुअल काम करेंगे तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा, अपने पॉइंट से ही स्टेशन मास्टर अपने चाबी भेज करके पॉइंट्समैन आकर ताला खोलेगा और दोनों कोऑपरेशन साथ करेगा इमरजेंसी की निकालने के लिए, जब सारा की इसका काम करना बंद कर दे फंक्शन तो स्टेशन मास्टर के पास चाबी लेके पॉइंट्समैन आएगा, इसमें पैनल बटन है वो वहां से दबाएगा, इसका फीड आएगा वो साथ में फिर दबाएगा, यहां से की निकलेगा बड़ा सा, वो की लेकर के पॉइंट में जाके इंसर्ट करना है, ये आप लोग का पार्ट नहीं है, ये स्टेशन मास्टर का पार्ट है, सिर्फ मैं बतला दिया हूँ, यह एसएम स्विच है, एसएम स्विच क्या करेगा, कभी इमरजेंसी में ओएचई में कोई प्रॉब्लम आ गया, क्या प्रॉब्लम आ गया, इसका स्टेशन में प्रॉब्लम आ गया, एक यहाँ देखिए न्यूट्रल सेक्शन कहीं दिख रहा है आप लोग को, ऊपर झाके आइसोलेशन नहीं दिख रहा आप लोग को, ये तो लगा हुआ है, है ना, तो क्या करेगा, यदि स्टेशन के अंदर में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई आदमी जाकर लटक गया ओएचई में या कोई फॉरेन मटेरियल आकर के गिर गया ओएचई वायर में, तो स्टेशन मास्टर खुद ही एक चाबी लेकर के आएगा, वो चाबी लेके इसमें इंसर्ट करेगा, मेरा उंगली है डाला हुआ, इसमें इंसर्ट करके घुमा करके इसको हटा देगा, खुल जाएगा, ये खुल के हट जाएगा और स्टेशन मास्टर क्या करेगा, इसको एक झटका मारेगा कस के, जैसे झटका मारेगा वो इंसुलेट हो जाएगा, तो स्टेशन का एरिया अलग हो जाएगा और ब्लॉक सेक्शन अलग हो गया, जो ब्लॉक सेक्शन का न्यूट्रल सेक्शन मैं बार बार बोलता हूँ, वो न्यूट्रल सेक्शन स्टेशन के लिए अलग हो गया, इसलिए एसएम स्विच लिखा है, एसएम स्विच 604 स्टेशन मास्टर के स्विच है, जिसको स्टेशन मास्टर को इमरजेंसी में खुद ही ऑर्डर नंबर मिलेगा हेडक्वार्टर से, ऑर्डर नंबर इतना जा करके वो अपना एसएम स्विच को 604 को ओपन करेगी और ये ओपन कर देगा, मतलब अभी मेन लाइन का ओएचई न्यूट्रल सेक्शन और स्टेशन का न्यूट्रल सेक्शन आइसोलेट किया जा सकता है,
ये आप लोग का जरूरत नहीं है, फिर भी चल रहे हैं तो गैप बन जाएगा आपको ये कभी बीच में, इसलिए उसका सपोर्ट के लिए देखिए होल्ड कर दिया है कि ये बिल्डिंग पॉइंट है, थोड़ा कमजोर है ओरिजिनल रेल से, इसलिए इसको सपोर्टिंग करके रख दिया है। मैं अभी बताता हूँ ना फेस प्लेट, नहीं ये ब्लूट ज्वाइंट है, ये क्या है मैं बोल के रखा था ना, यदि यहाँ पर एक सिक्का रख दोगे ये दोनों के बीच में तो क्या हो जाएगा, जो सिग्नल दिया रहेगा वो सिग्नल रेड हो जाएगा। अभी करेंगे, अभी करोगा वो कोई मूवमेंट कर रहा होगा तो वो तो डायरेक्ट एंट्री दे देगा कि फेलियर हो गया। ये ब्लूट ज्वाइंट है, ये दोनों देखिए, ब्लूट ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रैक को आइसोलेट कर देना। रबर का देखिए इसमें पैड लगाया हुआ है, ये रबर का पैड है और पूरा ही लाइन को आइसोलेट किया है और उसको ऊपर से बांध दिया है और इसके नीचे भी रबर दे करके बांधा है ताकि कहीं पर भी सटे ना। सर ये जो कनेक्शन प्लेट यही है क्या फिश प्लेट? इसी को अगर खोल देता है ना, बोलता है कि फेस प्लेट खोल दिया, तब ये खोल देगा तो क्या होगा, और देखिए जो जर्किंग बोल रहे हैं, बोल रहे थे ना जर्किंग, तो जर्किंग क्या होगा देखिए, रेल कैसे टूटेगा, एक तो रेल टूटा यहाँ पर मान लीजिए, तो ये होल्ड किए हुए ना इस साइड का ट्रैक को, लेकिन इस साइड को ट्रैक को होल्ड करने के लिए 1.5 फीट जगह मिल गया ना 1 फीट, तो ये रेल क्या होगा थोड़ा उठ जाएगा क्योंकि टेंशन बना के रखा है ना, खींच के रखा है, ये क्या करेगा पटिया को लेकर के ही 2 इंच उठ जाएगा अपना तनाव में टेंशन करके, और ये नहीं उठ पाएगा क्योंकि इसको जस्ट नियर बाय होल्ड करके रखा है, तो आपका गैप हो जाएगा 1.5 इंच 2 इंच का, जब आपका गाड़ी आएगा ना 2 इंच अप एंड डाउन जंप करेगा, जैसे वीडियो हम देख रहे थे, दैट इज यहाँ पर क्या होगा जर्किंग फील होगा। एक्सेल काउंट करेगा, काउंटर क्यों है यहाँ पर अभी आप लोग बोलो, ये एक्सेल काउंटर क्यों क्यों दिया गया है यहाँ पर, कोई बोलिए अभी, और तुम लोग ना गॉसपिंग करते रहो, अरे सर वो यहाँ पे कॉलिंग ऑन का जो ट्रैक है ना वो दिखाने लाए थे लेकिन सब इंटरनल हो गया है, ये बोल रहा उधर चले मैं आया था, जब आपको कॉलिंग ऑन को ड्रॉप करना है स्टेशन मास्टर को क्या होगा, आप जनरली क्या करेंगे, दूर से आपको लाल सिग्नल दिखेगा, लाल सिग्नल दिखेगा अपने गाड़ी को, अब कोई जरूरी नहीं है कि मैं फोम में हिला करके चपका कर खड़ा करूं, जब भी ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को खड़ा करिएगा आप एक फासला दूर से लेकर खड़ा करिएगा, आप ये कोई बहादुरी नहीं है कि जब मेरा को लाल सिग्नल दिख रहा है या कोई ऑटो सिग्नल बीच में दिख रहा है मिड सेक्शन में तब मैं एकदम चिपका करके खड़ा करूं, हमको चिपका करके कहां खड़ा करना है, स्टेशन यार्ड में, क्योंकि स्टेशन यार्ड में हमारा समस्या कहां पर आता है, हॉलिंग क्लियरेंस का, हॉलिंग क्लियरेंस का, इसलिए हम नियर बाय धीरे धीरे करके अपने कंट्रोल स्पीड में ले जा करके हम स्टार्टर के पास चिपका करके रखेंगे, क्योंकि पीछे मेरा फॉलिंग ऑल क्लियर हो, लेकिन यह ब्लॉक सेक्शन है, ब्लॉक सेक्शन में फॉलिंग क्लियर करने की कोई झमेला नहीं है, जब भी आप ऑटो सिग्नल में गाड़ी खड़ा करोगे अपना कोई जरूरी नहीं है कि मस्ट स्टॉप सिग्नल के एकदम पास में खड़ा करें, थोड़ा हम मार्जिन लेके खड़ा करेंगे, दूर ही खड़ा करेंगे, अरे भाई जब वो सिग्नल का स्पेक्ट चेंज होगा हम 5-10 मीटर पहले ही खड़ा करके उठाएंगे तो कौन सा डिटेंशन होने वाला है, नहीं होने वाला है ना, इसलिए इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमको देखिए, हमको दिख गया है आप लोगों है लेकर के आए हैं, आपको लग रहा है नहीं मैं क्यों नजदीक खड़ा हूँ, आप दूर में ही खड़ा हो गए हैं, अभी स्टेशन मास्टर का ये होम सिग्नल फेल हो जाता है, वो देना चाहता है कॉलिंग ऑन, वो आपको क्या कर देगा, मास्टर प्लीज अपना लोगों को कॉलिंग ऑन ट्रैक पर लाइए, इसलिए आपको ये सुविधा दे दिया, एक ट्रैक रहता है जो दिखता है दूर से ही, अभी सबको इंटरनल कर लिया इसलिए नहीं दिख रहा है आपको, इसलिए बोर्ड लगा दिया कि कॉलिंग ऑन पर आना है, देखिए वायर से कनेक्ट करके इंटरकनेक्ट कर दिया अंदर से, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, तो कॉलिंग ऑन ट्रैक में जैसे आके गाड़ी खड़ा करेंगे 2 मिनट के बाद क्या होगा, उसका कॉलिंग ऑन ट्रैक हीट हो जाएगा और हीट होकर को उसका पैनल में क्या होगा, ग्लो करने लगेगा, और जब ग्लो करेगा तब कॉलिंग ऑन को दबाएगा तभी कॉलिंग ऑन होगा, समझ गया ना, चलिए आगे होम पर आइए, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग को, यही पर मेन पढ़ाई करना है, क्या क्या देख रहे हैं आप लोग सब मिलके बतलाइए, पहला क्या देख रहे हैं, नीचे से ऊपर चला गया, नीचे से सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ये ऑटो, और ऑटो अभी क्या है, मतलब वो अभी बुझा हुआ है, वो बुझा हुआ है, इसका मतलब क्या बतला रहा है, स्टेशन मास्टर मैनुअल कंट्रोल करके रखा है,
उसके जस्ट ऊपर जाइए, क्या है कॉलिंग ऑन है, वो भी बुझा हुआ है। मतलब उसका ये बतला रहा है कि ये स्टॉप सिग्नल के नीचे है। ये क्या करता है, एक छोटा सा मतलब लगा के रखा है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि उसके बिग बॉस क्या कर रखे हैं, देखिए लाल। जब लाल है फिर कॉलिंग ऑन का कोई आवश्यकता नहीं, गाड़ी खड़ा करेंगे। गाड़ी खड़ा करने के बाद जैसा स्टेशन मास्टर का डायरेक्शन होगा कि कॉलिंग ऑन देंगे, ट्रैक पर आइए, कॉलिंग ऑन देगा, वो क्या जलेगा, येलो। कॉलिंग ऑन का एस्पेक्ट हमेशा क्या होगा, पीला होगा, येलो होगा, वो येलो जलेगा, आपको फिर बढ़ जाना है। और अगर ऑटो में स्टेशन मास्टर करके रहेगा तो ये पूरा ये जलता हुआ दूर से आपको ये दिखेगा, मतलब ऑटो मोड में किया है। और ऊपर आइए, देखिए एस्पेक्ट, ये क्या हुआ है, फोर एस्पेक्ट हो गया ना, एक दो तीन चार देख रहे हैं मैंने शॉप में। उसके ऊपर थोड़ा बढ़िए, क्या दिख रहा है आपको, वो क्या है, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, नहीं बाबू डिजिटल, बताया था ना मैं, डिजिटल रहेगा वो बल्ब के आकार का रहेगा। ये भी बल्ब के ही आकार का है, लेकिन ये छोटा है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लाइन नहीं है। लाइन कितना है, 7 तक ही, तो 7 तक का पोजीशन वो खुद ही दिखला देगा। वो डिजिटल रोड इंडिकेटर है, और साथ में क्या है बाबू, ऊपर देखो लूनर भी है। सारा फैसिलिटी एक सिग्नल में दे दिया गया, लोगों पायलट को कोई भी समस्या ना हो। अभी क्या करेंगे, एक चीज और देखो, हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, लेफ्ट साइड में लूनर है और राइट साइड में लूनर है, इसका मतलब क्या है, अभी आपको ज्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि जब डिजिटल आ गया रूट इंडिकेटर तो लूनर परेशान, लेकिन जब डिजिटल आ गया बोलोगे कि सर डिजिटल आ गया, तब फिर क्या लूनर की जरूरत था, नहीं था। लेकिन लोको पायलट्स को हम मैक्सिमम जो दे सकते व्यवस्था दे दो। हम जब लेफ्ट साइड का लूनर जला के दे देंगे, इसका मतलब आपका डायरेक्शन लेफ्ट में है, और लेफ्ट के लूनर के साथ ही वहाँ पर वन आ जाएगा और टू आ जाएगा। अगर दो नंबर लाइन में लेना है तो क्या लूनर की आवश्यकता पड़ेगा, मेन लाइन, मेन लाइन में कुछ नहीं, हमको एक नंबर जो इधर से जाएंगे तो एक नंबर पड़ेगा, तो एक नंबर जिसमें हम लोग खड़े थे उसमें जाएंगे तो लेफ्ट साइड का लूनर भी जलेगा और यहाँ डिजिटल वन भी आएगा। अभी हमको मेन लाइन में कोई जरूरत, मेन लाइन में तो कोई जरूरत नहीं पड़ा, अभी हमको जाना है तीन नंबर में। क्या जाने के लिए, तीन नंबर मोड़ने से अप मेन लाइन, क्या अप मेन लाइन में डाउन लाइन को डाउन गाड़ी ले सकता हूँ, ले सकते हैं इन इमरजेंसी के, लेकिन कैसे लेंगे, फिर वो नॉन सिग्नल हो जाएगा बाबू, उस पॉइंट को फिर से क्या करेंगे, हम करेंगे और कौन सा अथॉरिटी देके लेंगे, कौन 511 भी बोला है, अरे टी 510, टी 510 दे करके लेंगे, क्लियर। अगर तीन नंबर आप मेन लाइन में लेना हुआ तो क्या देखे, एक नंबर दो नंबर में तीन नंबर के लिए सिग्नलिंग नहीं है, देना दो ना, क्या अंतर पड़ता है, एक नंबर देखो, एक जलाओ, देखो कितना अच्छा हुआ आप लोग के लिए, एक जल गया ना, और उसका लूनर भी देखो ऊपर जला, लूनर देखो बेस्ट पढ़ाई हो गया, लूनर भी जल गया, एक आपका येलो भी दिखा दिया और एक भी दिखा दिया। अभी हम लोग राइट साइड हो जाइए, चलिए पायलट इन करेगा तो स्टेशन मास्टर क्या देगा, उसका कॉलिंग ऑन भी नहीं हुआ, फोन भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। और तो अभी देखिए एक और मजे की बात है, मजे की बात क्या है कि मान लीजिए कि ऑटो सेक्शन है, कभी कभी क्या होगा उसका मैनुअल मोड से नहीं हुआ, स्टेशन मास्टर के पास बहुत सारा तरकीब है होम देने का। पहला तो उसका मैनुअल मोड में होम नहीं हुआ, कॉलिंग ऑन दिया कॉलिंग ऑन भी नहीं हुआ, एक उपाय और बचा हुआ है स्टेशन मास्टर के पास, क्या बचा हुआ है, वो ऑटो में घुमा दे, ऑटो में घुमा करके भी एक लास्ट ट्राई कर ले कि ऑटो मोड में मेरा ये जल गया क्या, उसके पास दिखेगा ये भी जल गया। और ऑटो मोड में जब ऑटो कर देगा, हो सकता है मैनुअल मोड का जो सिक्वेंस था वो खराब है, ऑटो मोड का बचा हुआ है, तो ऑटो मोड में भी कर देगा, तो ऑटो मोड कब होगा ये जलेगा, ये कब जलेगा बताइए, जब उसका सिक्वेंस सारा सही है, और अगला आगे भी लाइन खाली है, अगला स्टॉप सिग्नल मतलब होम है, तो अगला स्टॉप सिग्नल कौन होगा, स्टार्टर, और स्टार्टर को भी अगर ऑटो में घुमा देगा, स्टार्टर भी ऑटो में घुमा दिया, इसको भी ऑटो में घुमा दिया, और दोनों अगर सिक्वेंस मैच कर रहा है तब भी होम, फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ऑटोमेटिक में भी आपका ऑटोमेटिक में ए जल गया, ए जल गया,
और मेन मेन होम क्या बताएगा, रेड। तब आप क्या करोगे, दिन में एक मिनट, वेरी गुड, दिन में एक मिनट और रात में दो मिनट, लेके हम रेड में ही पार हो जाएंगे। कब, जब ये मेरे को जलता दिखे, ये जलता है। आइए इधर जल्दी, आइए, अच्छा दिख गया, ये भी बढ़िया। अरे देखो ना, जिसको सीखना नहीं है ना, वो लोग पर बढ़ जाता है, बेकार लगता है। उधर है क्या, इसको देखिए सब लोग, आप ऑटो तुमको कुछ सीखने का बिलिंग नहीं है, बोलो सब लोग, एडवांस स्टार्टर को क्या करके रखा है, ऑटो मोड में करके रखा है। ये जल रहा है और वो देखिए ग्रीन है, मतलब ये अभी मैनुअल में नहीं है, ये ए मोड में है, मतलब ऑटो ऑटो काम कर रहा है। ऑटो क्यों काम कर रहा है भाई, क्योंकि ऑटो ही सेक्शन है, जब क्या होगा, ग्रीन होगा, ग्रीन होगा। और एलएसएस का भी काम कर रहा है और ऑटो का भी काम कर रहा है। खराब हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, स्टेशन मास्टर क्या करेगा, फिर कौन सा अथॉरिटी देगा, सभी लोग बोलो, कौन कौन 3693B बोला है, कोई डंडा नहीं ला रहा, पिटाई कर देता, अब समझ आता है। अरे ऑटो है न रे, या ऑटो का LSS है, ऑटो के LSS में क्या बताया हूँ, 3912। सर इफ दैट ए इज नॉट ग्लोइंग मींस रिसेंटली बिना, ए इज नॉट ग्लोइंग देन वी हैव टू नो देयर इट इज क्या है, LSS तो रहेगा बट ये नहीं, मैनुअली कंट्रोल। और उस समय स्टेशन मास्टर क्या करेगा, इसको ये नहीं जलने का मतलब ये होगा ही नहीं, सिग्नल दूर है, किनारा हो जाए, ये नहीं एक्सटिंग्विश कर, ये ग्लो नहीं करेगा, मींस क्या है, इट इज फेलियर और वो ग्रीन नहीं होगा। ऑटो है ना, ऑटो में ये जलने का मतलब ही है, तभी होगा वो ग्रीन। साहब दिख रहे हैं, रेलिंग स्विच, गाड़ी अगर अनऑथराइज कोई आ गया, मान लीजिए उधर हम साइडिंग में कोई गाड़ी रखे हैं, अनऑथराइज आ रहा है, या कोई लोको पायलट ने झपकी ले लिया, या किसी ब्रेक फेल हो गया, वो गाड़ी आ जाएगा। यदि आप सेट रखोगे, वो मिल लाइन से गाड़ी आता हुआ आपको ब्रेक क्या करेगा, जा करके कोलाइड कर देगा। अभी ओपन कंडीशन में है, ये क्या कर देगा, आप ही जा, आइए, आप खुद गिर गया, दूसरा बचेगा। तो जितने भी आइसोलेशन है हमारा चारों, सभी का पर्पस यही है, जो वह भी आएगा सभी में कॉमन बात लिखेगा, नाम चेंज कर दीजिएगा, आइसोलेशन, सभी का पर्पस एक ही है, कोई छोटा है जरूरत के अनुसार। अभी हमको यहाँ लंबा रेल दे करके डेडिन लगाने से क्यों, अगर हम डेडिन चाहते तो लगाते अलग करके, लेकिन उधर से आने का मेरा आइसोलेशन नहीं बनता, हम क्या किए, रेलिंग स्विच से अपना आइसोलेशन कर दिए, और उधर से आने के लिए देखिए डेडिन लगा के रख दिया है, देखिए जो लोग खड़ा है वो डेडिन में खड़ा है ना। अभी कोई गाड़ी आता है, आप देखिए क्या है, कोई गाड़ी यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर क्यों रखा, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है यदि उसमें भी गाड़ी जा रहे हैं, आपका लाइन आप उधर से लेके गाड़ी आ रहे हैं, ओके, और एक गाड़ी इधर से मूवमेंट कर रहे हैं, तो एक दोनों पर गाड़ी को मत लाइए एक साथ, फॉलिंग मार्क को बचा करके गाड़ी को खड़ा करिए। यदि आपको अंदर लेकर के जाना, ऐसे तो देखिए ड्रिलिंग स्विच भी लगा दिया, लेकिन मल्टी फैसिलेशन दे दिया कि हाँ आप ये फॉलिंग को भी जाम ना करें, आप इससे आगे गाड़ी को मत बढ़ाइए एक साथ में। बटन से था, अभी बटन करके सारे डिजिटल ही कर लिया गया, अभी जो भी हमको करना रहता है सभी माउस से ही पॉइंट चेंज कर लेते हैं। यहाँ से कैसे आते हैं, मैं लाइन घूम से
क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिकली अपने आप से दोनों पर जैसे सिग्नल दे रहा हूं। देखिए अभी सिग्नल दे रहा हूं। लूंगा देखिए ध्यान दीजिए सारे लोग ध्यान दीजिए यहाँ क्लिक करूंगा यहाँ आपका ऑप्शन दे रहा है एस 1686 से आपका एडवांस है ये बोला 82 आपका इधर पड़ेगा अभी ये लाइन चालू नहीं है आपका ज्वाइंट लाइन जो है ना ठीक है ये कॉलिंग ऑन देने से ये वाला होगा अगर कॉलिंग ऑन से लेंगे यहाँ तक तो ये वाला ऑप्शन सब देगा सारे ऑप्शन अगर सिग्नल कैंसिल करना है तो सिग्नल कैंसिल का फोन आ रहा है जैसे मैं दो नंबर को चला रहा हूँ देखिए दो नंबर गाड़ी है ठीक है इसको स्टार्ट करा रहा है देखिए ये पॉइंट सेट हो रहा है देखिए अभी सिग्नल होगा आपका देखिए वो क्लिक कर रहा है ब्लिंक कर रहा है क्लिक कर रहा है लैपटॉप जैसे इधर का देखिए पॉइंट होगा रिवर्स पोर्शन है मैं इसको नॉर्मल करना चाहता हूँ देखिए नॉर्मल कर रहा है हेलो हाँ ऑप्शन दे रहा है आपका देखिए नॉर्मल रिवर्स क्रिटिकल मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ देखिए ब्लिंक करने लगा नॉर्मल के लिए ठीक है और यहाँ देखिए ये वाला देखिए ये देखिए रूट पकड़ लिया पूरा येलो दिखा दिया ना ये रूट को लॉक कर दिया देखिए ये वाला पॉइंट फिर नॉर्मल कर रहा हूँ ये नॉर्मल सेट हो जाएगा देखिए वहाँ ब्लिंक करना होगा यहाँ पर एक लाइट इंजन रखा हूँ देखिए ये पॉइंट ब्लॉक करके रखा हूँ यहाँ जब तक ये हटेगा नहीं तब तक सिग्नल नहीं होगा इसको मैं इसे हटाना पड़ेगा स्टार्टर मिल गया दो नंबर को ये जा रहा है गाड़ी ये देखिए येलो मिला ना आगे संटिंग नहीं वाला लाइटिंग है ना तो निकाल के लाता हूँ 6 नंबर में अभी देखिए वो संथिंग में जो गाड़ी था यहाँ गाड़ी हम लोग देख के आए इसको निकाल करके 6 नंबर में लेकर के आ रहे हैं डबल 9 6 है डाउन और ये ट्रिपल ए जो प्रोजेक्ट है ये बिलासपुर से फ्लाई ओवर बना करके जो ला रहा है बताया था ना फ्लाई ओवर एक ज्वाइंट लाइन अभी बिलासपुर की गाड़ियाँ सीधे क्या करेंगे जब चालू होगा फ्लाई ओवर का जैसे ये लाइट इंजन को निकालने बोला देखिए लाइट इंजन को निकालने बोला है इसको मैं ब्लॉक पहले ये ब्लॉक है इसको नॉर्मल कर रहा हूँ अनब्लॉक कर देता हूँ अनब्लॉक कर रहा है देखिए ये हट जाएगा ये हट जाएगा अब इसको मैं 6 नंबर में लाऊंगा 6 नंबर यहाँ सन सिग्नल में क्लिक करूंगा अभी कौन सा नंबर लाइन में लाना है 6 नंबर का देखिए सिग्नल नंबर क्या है 36 तो ये आपका 36 आ गया यहाँ क्लिक करूंगा मैं ठीक है ये पॉइंट सेट हो जाएगा वो अपने आप सेट हो जाएगा अभी करना नहीं है सर जैसे आप ट्रेन को मैं थ्रू करूंगा इधर आउटसाइड इसका ये स्टार्टर नंबर क्या है S13 लग जाएगा देखिए
देखिए जैसे तो इंडिकेशन दे रहा होम से ही ना हिट कर दिया ये यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट में जाके चेक कर देंगे तो मजा आएगा भाई। रंजीत यादव वो ऐसे होगा, रंजीत यादव 6222 2000 अक्टूबर कितना तारीख को लगा है, 22/22 को लगा है और पीटर उसका 3 मैसेज है। इसने क्या लगाया है, उसका यार लाइन नंबर 7 अप एंड डाउन दोनों के लिए 8 KMPH, मतलब 8 KMPH से ज्यादा गाड़ी 7 नंबर में नहीं घुसना है, समझना रहे तो खींच लो। और यूएसएफटी एक PWI होता है जो यूएसएफटी का वो सेफ्टी का देखता है ट्रैक का, वो उसने में दिया है, उसका नंबर MKS नवीन कुमार श्रीवास्तव कुछ भी नाम होगा मैं बता रहा हूँ 08/23 23 को दिया है। गॉड दादा फारा गॉड आगे है, गॉड से सीधे बाईपास हो गया दादा फारा के लिए बिलासपुर लाइन पर नहीं पहुंचेगा। 7221 का 22/23 आप में 30 KMPH प्लस OES क्या हुआ, औजार इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग 30 भी चलिए और इंजीनियरिंग वाला भी कुछ वहाँ पर साइड पर बताता है उसको भी हो गए समझ गए। और ये सब क्या है, अभी एन आई चला है नन इंटरलॉकिंग वर्क 15 दिन 1 महीना पहले 15 दिन पहले ये सभी अभी एन आई का है कि सभी मालिक को मेरा पता हो जाए क्या S3 कहाँ है, क्योंकि सारे सिग्नल हटाए गए, ये सारे सिग्नल हैं, ये सभी का लोकेशन चेंज किया गया तो इसको पोषण देकर के बिलासपुर से चलाया जा रहा होगा। क्या आप लोगों को दिमाग में पड़ जाए कि ये सिग्नल चेंज हो गया है, 7205/07 में आ गया है S3 जो पहले अलग था, ऑब्जर्व न्यू सिग्नल, ये सभी न्यू सिग्नल लगे हैं इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। PWI के लगा है ना ये मैसेज नंबर घुटभूसला 726 का 32/731 का 16 डाउन में 75 KMPH यूसी ट्रैक और सर्विसेबल ट्रैक, वहाँ को सर्विसिंग खराब है उसको और बढ़िया से मरम्मत करने की आवश्यकता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता है, इसलिए 75 नहीं चल रहा है, इस तरह से कौन सा ऑर्डर मिलेगा समझ में आ रहा है। इधर देखो इसको देखो, इसमें बहुत कुछ समझने का है, ये देखिए 3x304 ओके 3x304 अभी क्या है, ये 3x304 यदि आपको मेंटेनेंस बोला अभी देखिए यहाँ से न्यूट्रल सेक्शन इंसुलेट किए हुए है ना इधर आइए, यहाँ भी देखिए इंसुलेट किए हुए अभी 304 में 304 में कोई ब्लॉक देना है, मतलब इस साइड में पूरा आइसोलेट करना है यार, इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, 6, 7 को अगर आइसोलेट करना है तो ओपन कर देगा इसको इस इंसुलेटर को सर। और क्या लिखेगा टीपीसी बोलेगा ऑर्डर नंबर 25 अलाउ पावर ब्लॉक ऑन एलिमेंट्री सेक्शन क्रॉस 304 एट उसला यार्ड फ्रॉम 10 आवर्स टू 13 आवर्स ड्यू टू मेंटेनेंस OAG। उसला बोलिए टीपीसी का प्राइवेट नंबर 54 कंट्रोल का प्राइवेट नंबर 32 उसला आपका प्राइवेट नंबर क्या है ये बोल देंगे 11। अभी आपको दूसरे स्टेशन का जरूरत है इसमें नहीं, क्योंकि इनका यार्ड में ही आइसोलेट हो रहा है, बाकी पूरा 1-2-3 महीने का जो है चल रहा है। लेकिन वही यदि आपको दिया जाएगा क्या मेंटेनेंस ब्लॉक दिया जाएगा उसला और भुटकू जो SM अभी दिखला के आया हूँ आपको 604 याद आ रहा है ना यदि हमको देना है एलिमेंट्री सेक्शन 2196 में ब्लॉक OHE का तो क्या करेंगे, उसला को भी रिंग मारेंगे और घुटकू को भी रिंग मारेंगे। घुटकू उसला हाँ लिखिए ऑर्डर नंबर 32 SCR ऑर्डर नंबर 32 अलाउ पावर ब्लॉक ऑन एलिमेंट्री सेक्शन 2196 बिटवीन उसला एंड घुटकू डाउन लाइन फ्रॉम 10 आवर्स टू 13 आवर्स और मेंटेनेंस ऑफ OHE ब्लॉक नो डाउन ट्रेन कैन कम अप टू उसला एंड अप ट्रेन कैन कम अप टू 5, 6, 7 अभी एक में भी आएगा मैंने अब तो SM से ओपन कर देगा सिर्फ ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी पिटेगा इनका यार्ड चल कर देगा यार्ड में कहीं भी गाड़ी का मूवमेंट कर सकते हैं और टाउन लाइन में घुटकू उसला के बीच में गाड़ी नहीं चलेगी ये पावर ब्लॉक हुआ समझ गया ना सही लाइन के लिए देखिए रहेगा अगर बिलासपुर से देना होगा तो इसमें दे देगा अपलाइन में डाउन लाइन में अपलाइन में देना होगा तो 2001 में दे देगा डाउन में देना होगा बिलासपुर साइड तो 2192 में दे देगा इस तरह से पावर ब्लॉक चलता रहेगा।
चला है नहीं है, कितना पावर है सप्लाई हो रहा है, सभी चारों पटाखा को दे दिया है, क्या कहाँ कहाँ लगाना है, तीन पटाखे जब गाड़ी प्रथम रूप सिग्नल पर 15 मिनट अथवा अधिक देर तक खड़ी हो तो ब्रेक यान के पीछे कितना लगाना है, ब्रेक यान से 600 प्लस 10, इसके लिए कर दिया है, गाड़ी